बॉल्स टैप। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी, स्वागत है आपका चक द क्रिकेट में। सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें आईपीएल मैचेस में कुछ बदलावों को लेकर चर्चा की गई और कुछ बदलाव किए भी गए हैं। लेकिन इस बैठक में जो सबसे हटकर और सभी को चौंका देने वाला निर्णय था, वो था आईपीएल के शुरू होने के ठीक 3 दिन पहले ऑल स्टार्स नाम का एक अतिरिक्त मैच कराए जाने की घोषणा करना। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया कि 29 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े में आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा। लेकिन ठीक उसके 3 दिन पहले आईपीएल की सभी टीमों को मिलाकर ऑल स्टार्स की 2 टीम बनाई जाएगी और इनके बीच एक चैरिटी मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आ रही कि यह मैच उत्तर बनाम दक्षिण के रूप में खेला जाएगा। हालांकि बहुत से हमारे दर्शक उत्तर बनाम दक्षिण के शब्द को नहीं समझ पाए होंगे, तो उनके लिए हम थोड़े आसान भाषा में समझा देते हैं। आईपीएल में 8 टीमें हैं, जिसमें 4 टीम उत्तर भारत की है, जैसे किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, तथा दक्षिण भारत की भी 4 टीमें हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस। अब ऑल स्टार्स की 2 टीम बनाने के लिए उत्तर भारत की आईपीएल की 4 टीमें, जैसे कि किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मिलकर 1 टीम बनाएंगी, जबकि दक्षिण भारत की 4 आईपीएल टीमें, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीमें मिलकर दूसरी टीम बनाएंगी और इनके बीच ऑल स्टार्स का मैच खेला जाएगा। इस आधार पर देखा जाए तो दक्षिण भारत की ऑल स्टार टीम में 4 बार के आईपीएल चैंपियन मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा, 3 बार की चैंपियन चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय कप्तान साथी रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली एक ही टीम में शामिल हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जब ये तीनों लीजेंड एक ही टीम से खेलेंगे तो कप्तानी किसे मिलती है। साथ ही विश्व कप सेमीफाइनल 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब तीनों एक साथ खेलते नजर आएंगे, क्योंकि धोनी ने उस समय के बाद कोई क्रिकेट नहीं खेला है। समझा जाता है कि इस ऑल स्टार मैच की परिकल्पना बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और आईपीएल संचालन परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल की देन है, जो दिल्ली में सोमवार को हुई संचालन परिषद की बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बैठक में आईपीएल से जुड़े और भी कई चीजों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मैचों के शुरू करने के समय को आधा घंटा पहले लाने पर चर्चा हुई, लेकिन फ्रेंचाइजी ओस के कारण मैचों का समय बदलने को लेकर तैयार नहीं हुई और वही पुराने समय रात 8 बजे से मैच शुरू होंगे। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि इस बार केवल 4 दिन ही ऐसे होंगे जिस दिन 2 मैच खेले जाएंगे, अन्य सभी दिन केवल 1 मैच ही खेला जाएगा। यानी पहले जो आईपीएल 40 से 45 दिनों तक चलता था, वो अब लगभग 57 दिनों तक चलेगा। इस बार के आईपीएल में 2 नए नियमों को भी जोड़ा गया है। आईपीएल में पहली बार होगा जब मैचों के दौरान नो बॉल पर निगरानी रखने के लिए विशेष मैच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो टीवी और चौथे अंपायर से अलग होगा। साथ ही इस सत्र से कंकसन सब्स्टिट्यूट रखने की अनुमति होगी और इसमें मैच रेफरी का निर्णय अंतिम होगा। आप देख रहे हैं चक द क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।